हाय गाइस, माय नेम इज नरेंद्र कुमार. वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ वॉल्ट्स. आज का हमारा टॉपिक है समरी ऑफ द पैराग्राफ. देखो, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि समरी ऑफ द पैराग्राफ की ट्रिक्स क्या होती हैं. तो आई होप आपने लास्ट वीडियो वॉच किया होगा. ठीक है, ये आपका देखो ये वाले क्वेश्चन हैं हमारे. लेट मी चेक. सो दीज आर द ऑप्शंस. ये देखिए, समरी ऑफ द पैराग्राफ, ये वाले क्वेश्चंस क्या है हमारे मेंस एग्जाम में आते हैं. और बेसिकली क्या है कि मेंस फ्री कुछ नहीं होता है, आपने बस इंग्लिश लैंग्वेज को क्रैक करना है, समझना है, उसका नेचर समझना है एग्जाम का, कि किस तरह से स्टार्ट करना है हम लोगों, किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं. बेसिकली टॉपिक पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस कैसा दिखता है, फिर उसकी ट्रिक्स क्या होती हैं और कितना जल्दी हमें सॉल्व करना है, कितने टाइम में, कितना जल्दी उनको प्रैक्टिस करना है, सारी बातें पता होना चाहिए. तो इंग्लिश सेक्शन का मैंने आपको बताया हुआ है. आई होप आप सारे वीडियोस वॉच किए होंगे. अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले मैंने जम्बल्ड पैराग्राफ, स्टेटमेंट क्वेश्चन, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सब पढ़ा रखा है. मैंने जो अपना कोर्स डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया है किस हिसाब से, कि जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और जिनमें एक सिम पैटर्न लग रहा है, एक सिंगल पैटर्न मैंने बनाया हुआ है. लगभग 8-10 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं बैंकिंग में जिनमें एक मैंने पैटर्न क्रिएट किया हुआ है कि इस ये बातें फॉलो करोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कुछ कॉमन स्टोरीज़ हैं, आपको वो कहानियाँ सुन लेना चाहिए. सो डू वन थिंग, आप पैराग्राफ जम्बल ऑफ पैराग्राफ, जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस होता है जिसमें 4 डिफरेंट हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं. वी आर सपोज टू कनेक्ट देम लॉजिकली, मीनिंगफुली, ग्रामेटिकली करेक्ट, मेक अ सिंगल सेंटेंस. तो वो वाली कहानी भी पूछी गई है कई बार, तो उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लो. फिर मैं आपको एक इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा. पता है इन्फ्रेंस कैसा होता है, मैं अभी बताता हूँ. एक हमारे पास में सेंटेंस होता है, वी हैव अ स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, सिंगल सेंटेंस एंड फॉलोड बाई 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स. ओके, और उस पैराग्राफ में से हमें चूज करना होता है कि कौन सा पैराग्राफ करेक्ट है, मतलब फ्रॉम विच पैराग्राफ दैट सेंटेंस कैन बी इन्फर्ड, कौन से वाले पैराग्राफ से वो लाइन निकल सकती है, हमको ये भी पूछा जाता है. तो एक्चुअली बैंकिंग वाले क्या कर रहा है, बैंकिंग जैसे IBPS, SBI, RBI और इंश्योरेंस एग्जाम वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं, हर बार एक नया पैटर्न क्रिएट करके लेके आ रहे हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंड चेक करने के लिए नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और एक और बात बताऊं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट अपना खुद का नहीं कर रहे, नए क्वेश्चंस नहीं बना रहे. ऑल दीज बैंकिंग एग्जाम्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सब लोग कैट, जीमेट, जीआरई, ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, एसएटी, इन एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस थे ना उनको कॉपी कर रहे हैं ये लोग. सो व्हाट यू डू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI और IPS ना, तो डू वन थिंग, SBI IPS का तो बुक्स खरीदो, लेकिन कैट, जीमेट, जीआरई की बुक्स वाला इंग्लिश वाला पार्ट अपने पास जरूर रखो. ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो आपको पढ़ी लोगे टेस्ट सीरीज में या मेरी क्लासेस में, एंड आप है ना बैंक कैट जीमेट वाले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो क्या होगा, आप रेडी हो जाओगे. अगर कुछ नया पूछ रहा है, यू आर रेडी फॉर दैट. अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं अपनी क्लासेस में बैंक में जो पूछा जाता है मैं पढ़ाने वाला हूँ. ओके, आने वाले टाइम में अगर कैट एग्जाम, जीमेट, जीआरई का अगर कोई क्वेश्चन वो कॉपी करना चाहते हैं तो मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ. तो बेसिकली एक सिंगल क्लास में, एक बैंकिंग के कोर्स में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो इस कोर्स को कंप्लीट फॉलो करते रहो. ओके, देन वी विल स्टार्ट. तो ये हमारा आज का टॉपिक है समरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब मेरा क्लास कैसे डिजाइन है सुनो, मैंने फोकस किया हुआ है कि न्यू पैटर्न के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी ट्रिक्स बताने वाला हूँ. एंड देन मेरा एक 12-1 ये वाला सोच हमारा चलने वाला है, एंड एक मेरा चलता है 9-10. तो 9-10 वाले लाइव सेशन में आप ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ सकते हो. ठीक है, तो 2 टाइम याद रखो, ग्रामर मिलता है, क्वेश्चंस मिलता है, डजंट मैटर. ठीक है, ग्रामर का एक पूरा सीरीज आपको मिलने वाला है. और ग्रामर पढ़ने का सही तरीका देखो, डायरेक्ट रूल्स कभी नहीं पढ़ने होते हैं, एक प्रॉपर यू नो सिस्टमेटिक तरीका होता है. मुझे जो लगता है कि स्टूडेंट जो मिस्टेक करे ना, 4-5 टीचर से पढ़ लिया, 4-5 कोचिंग अटेंड कर लिया, इवन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ग्रामर पार्ट, हर बार रूल्स भूल जाते हैं, उन्हें विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं. तो एक काम करते हैं, वो जो रट्टाफिकेशन हमने जिस का हम लोग जो प्रोडक्ट हैं बचपन में हमने और स्कूल कॉलेज में रट्टा करके जो पढ़ाई की है उसको अब साइड करो, एक नई तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करते हैं. तो ग्रामर को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ कि अगर आपको वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है तो वो रूल्स आप कैसे याद रखोगे. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा. जैसे सपोज मैंने नाउन पकड़ लिया, टाइप्स ऑफ नाउन, द डेफिनेशन ऑफ नाउन, द टाइप्स ऑफ नाउन, एंड देन द रूल बेस्ड ऑन नाउन्स, एंड देन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन्स. इस तरह से क्लास चलने वाला है. तो एक 1 आवर की क्लास में मैं नाउन का डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और रूल्स बताऊंगा. फिर जो सेकेंड क्लास होगा मेरा नाउन का, क्लास 2, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन पर बेस्ड.
तो दोनों ही वीडियो आपको वॉच करने हैं, और जब ये दो वीडियो दो घंटे का देख लोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो रहा हमारा ग्रामेटिकल पार्ट। अब हम जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेज कनेक्टर, समरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इनके लिए मेरा दूसरा सेशन चलने वाला है। तो बेसिकली सब कुछ फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके, लेट मी चेक द पेन। ओके, ऑलराइट। हाँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश मोर देन 7 ईयर्स नाउ। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। देखो, ये एक कूपन कोड है नरेन लाइफ। अगर आप कभी भी चाहते हो कि मेरे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट मार्क्स लेके आने, मोर देन आउट ऑफ 30-25 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है आपको, अभी आपका 10-12-8 मार्क्स आता है, तो एक काम करो कि मेरा एक तरीका है कि मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप 2-3 बार अगर मेरे साथ स्टडी कर लोगे ना तो परफेक्शन आ जाएगा। एक बार में क्या है, इंट्रोडक्शन मिलता है, और मेरा जो सिलेबस है, कोर्स है, जो ट्रिक्स है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब इररेलेवेंट कुछ नहीं मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी पिछले 15-20 सालों से SSC बैंक कैट एग्ज़ाम में जो आ रही हैं, और नेक्स्ट आने वाले सालों में भी एग्ज़ामिनर इन्हीं पे क्वेश्चंस बनाएगा, तो मैं वो चीज़ें पढ़ाता हूँ। सो व्हाट यू डू कि अभी जो YouTube पर चल रहा है आप इसको फॉलो करो, एंड सेकंड आपको कहाँ फॉलो करना है, एक Unacademy Plus जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, आई होप सब आप लोग जानते ही हो, तो वहाँ पर भी मैं 2-2 आवर्स का क्लास लेने वाला हूँ, बहुत एग्जॉस्टिव क्लासेस, बहुत डिटेल में, और बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे हम लोग वो भी करेंगे क्या बोलते हैं, डाउट क्लासेस, जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, बिकॉज स्टूडेंट क्या ना, ये एक घंटे के ट्रिक्स तो सीख लेता है, लेकिन अगर उसके डाउट जब आते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है। तो वी विल यू नो लाइक वी विल हैव द डाउट क्लासेस, और टेस्ट सीरीज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला कूपन कोड यूज़ करना आप लोग जब भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, यूज़ नरेन लाइव। ठीक है, तो इंग्लिश के साथ साथ आप वहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, मैथ, यू नो, और भी करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक GK, ये सब कुछ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और देखो, 1 ईयर के लिए आप जाते हो तो कितना 5000 शो कर रहा है, अगर कूपन कोड आप लगाओगे तो कितना 4500, मतलब 500 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और पता है बेस्ट पार्ट है कि 4500 में आपको क्लासेस मिलेंगे आपके जो फेवरेट ट्यूटर्स हैं उनसे, मोर देन 50 एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, तो किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो, जो आप जिसका आपको अच्छा समझ में आ रहा है उनको आप फॉलो करो, एंड एक साल तक आपका रहेगा वैलिड, और उस टाइम तक टेस्ट सीरीज, ठीक है, एंड डाउट क्लासेस एंड द लाइव क्लासेस, और क्या ना क्विज भी मिलने वाला है। तो बेसिकली भटकना नहीं है, एक बार फॉलो करो एंड स्टार्ट हो जाओ। ओके, चलो, ये मेरा टॉपिक था। देखो, ये क्या है, समरी ऑफ द पैराग्राफ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करें, हम इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस फोकस करने वाला हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा कि पहली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सपोज आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए, अगेन अगर आप बार बार देख रहे हो तब भी जितनी बार कहानियाँ सुनोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। ये ऐसी अप्रोचेज है, आपको पूरा यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। सो डू वन थिंग, अच्छे से फॉलो करो, नोट्स बनाओ, मेरी हर क्लास में पेन पेपर लेके बैठो, मैं जो डिफरेंट डिफरेंट बातें कह रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी है उनको नोट करो, डिस्कस करो, उनको नोटिस करो कि भाई ऐसा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, सर कैसे सॉल्व कर देते, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये है कि मैं ट्रिक्स बताऊँगा आपको मजा आने वाला है, बट आप चाहते हो एग्जाम में तो मैं आपके पास नहीं बैठने वाला, तो एक काम करो कि मेरी कहानियाँ सुनो, ट्रिक समझो, और उनको एप्लीकेशन करो, मतलब अप्लाई करो, जितने भी टेस्ट सीरीजें लगाओ, बुक्स लगाओ, और जब और बेस्ट पार्ट है ना कि ये जितना भी आजकल का जो न्यू पैटर्न इंग्लिश है ना, वो मैं नोटिस किया है, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, ग्रामर का बहुत कम पार्ट है, आपकी रीडिंग स्किल चेक करने के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया है। तो एक काम करते हैं, ये 10-10 क्वेश्चन करने से तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ हमें सिर्फ आइडिया लगने वाला है, एग्जॉस्टिव रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। और न्यूज़पेपर को जैसे हम लोग बोरिंग समझते हैं, ये हमारी तुम्हारी लाइफ का, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हर रोज़ 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितना टाइम दे सकते हो उसको रीड करो। कैसे रीड करना है मैं हमेशा बताता रहता हूँ। ठीक है, एडिटोरियल पार्ट को हमेशा पढ़ना है, उसमें से 1-2 आर्टिकल डिटेल में पढ़ो। ठीक है, स्टडी करने के लिए उसमें से जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको नोट करना स्टार्ट कर दो। अब मैं और जो वोकैबुलरी है, तो देखो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो क्या क्या मिलने वाला है, बुक है, अब आपका वहीं से प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई PDF नहीं पढ़ना। ओके, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सब वहाँ से मिल जाएगा, और जो ऐसे राइटिंग का कंटेंट होता है, टॉपिक होता है, वही वहाँ से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि अगर आप SBI PO दे रहे हो या फिर मतलब कोई सा भी PO दे रहे हो, अगर ग्रुप डिस्कशन अगर होता है
ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू अगर होता है तो उसका प्रिपरेशन सब न्यूज़पेपर ही तो करता है। यूपीएससी में जो पढ़ते हैं ना लोग, वो 5-6 घंटे द हिंदू को बिल्कुल चाट लेते हैं, बुरी तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल्स में 3-4 घंटे पढ़ते हैं वो लोग, समझ गए कि नहीं। तो आपका कोई यूपीएससी वाला एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसे कम भी नहीं है, समझो, समझ गए ना इंपॉर्टेंस जो न्यूज़पेपर की है। बैंकिंग एग्ज़ाम में इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है द हिंदू का। तो आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो अब क्या है, आप रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाएगा, क्वांट में बहुत अच्छा नंबर लेगा, लेकिन पता चला कि इंग्लिश में फेल हो रहा है, या फिर इंग्लिश में आउट ऑफ 30 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, जब मेंस में जाएगा या फाइनल जाएगा। सो समझ जाओ, अभी भी टाइम है आपके पास में, ठीक है ना, बट टू लेट। वो बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, और कई बार बात मान लेना चाहिए, ठीक है। आई एम द लाइक द परफेक्ट एग्जांपल कि मेरा जो जितना अंडरस्टैंडिंग है आज, मुझे जो पसंद है पढ़ाना, ये सब कुछ मेरा न्यूज़पेपर से आया हुआ है, ठीक है। तो सोचो कि आप न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। सो कुछ नहीं करना, 1 घंटे के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो आज का मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करता हूँ, इसका नाम है हमारा समरी ऑफ द पैराग्राफ। अब देखो ये होता क्या है कि वी हैव अ पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ में क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारा मसाला लिखा होता है और उसके में समरी बनाना है, मतलब कम शब्दों में लिखना है, नाम से पता चल रहा होगा। तो दिस पैराग्राफ इज़ फॉलोड बाय 4 या 5 डिफरेंट ऑप्शंस, और बोला जाता है कि फाइंड द परफेक्ट समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। अच्छा यार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऊपर पैराग्राफ पढ़ो, उसको समझो, एंड देन 4-5 नीचे ऑप्शंस हैं, कैसे डिसाइड करें कौन सी करेक्ट समरी है, कौन सी इनकरेक्ट है, वो भी कम टाइम में करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बनाए हुए हैं। इनमें हमारे पास कितने पॉइंट्स बनाए, मैंने लगभग 8, ये 8 पॉइंट्स हैं, इनमें कोई ना कोई सा पॉइंट यूज़ करके आप अपना करेक्ट समरी पता कर सकते हो। देखो मैंने पैरा जंबल भी पढ़ाया हुआ है, और दूसरा मैंने पैराग्राफ कंप्लीशन पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान रखना उसमें एक चीज़ मैंने बोली हुई है कि एलिमिनेशन मेथड, मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एलिमिनेट करके कराता हूँ, और एलिमिनेशन से ही करना चाहिए, कम टाइम लगता है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। आप कितना भी एवरेज हो तब भी मैं आपके अच्छे मार्क्स दिला सकता हूँ, शर्त यह है कि जितना बोलूँ उतना फॉलो करो, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज से जो आप डरते थे, आपको बोरिंग लगता था, कभी बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग माई कोर्स एवरीवेयर ऑन अनअकैडमी प्लस एंड ऑन द यूट्यूब एज वेल, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मेरे पास 5 ऑप्शन है यार, 5 ऑप्शन में चूज करूंगा कि विच वन इज़ गुड, विच वन इज़ नॉट गुड, यू नो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर 5 में से 2, 3, 4 अगर ऑप्शन भगा दिए तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं, तो वही मेरी थीम रहती है। तो मैं एलिमिनेशन करने का मैं आपको तरीके बताता हूँ, कितने तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 8-step approach टू सॉल्व समरी ऑफ द पैराग्राफ क्वेश्चंस, ये लिखा हुआ है। देखो ये सुनो, देखो मैं एक चीज़ आप समझते हो ना कि आपने ऐसे सबने लिखा हुआ है ना, जो निबंध होता है ऐसे राइटिंग सबने किया हुआ है बचपन में, 10th में 12th में भी किया होगा, ग्रेजुएशन में भी किया होगा कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे राइटिंग में क्या होता है, अगर आपको उसकी स्ट्रक्चर पता हो ऐसे का, क्या होता है, द फर्स्ट इज पैराग्राफ दैट इज इंट्रोडक्शन, एंड द बीच में क्या होता है हमारा कंटेंट पार्ट होता है, द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द ऐसे, और लास्ट पार्ट क्या होता है हमारा कंक्लूजन होता है। तो हमें भी अपना पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कैसे लिखा है, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन होती है, बीच में डिस्कशन होता है टॉपिक को, एंड द लास्ट में क्या कंक्लूजन होता है। तो हमें हर चीज़ को पकड़ना है। फर्स्ट लाइन में क्या पकड़ेंगे, टॉपिक, टॉपिक हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखा होगा, फर्स्ट सेकंड लाइन में हमारा सबसे सुप्रीम कीवर्ड लिखा होगा, ओके, और लास्ट लाइन में क्या है कंक्लूजन लिखा होता है, तो वो हमेशा पकड़ लेना चाहिए। अब मेरी बात सुनो कि वेन एवर यू रीड अ सेंटेंस ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस नॉट ऑल वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। आप नोटिस करोगे कि जब एक एक सेंटेंस में 20 वर्ड्स हैं और उसमें से 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और बाकी के क्या है कि इज एम आर वॉज वर एज ए वर्ड है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कीवर्ड्स, जो लोग मेरा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर उनको पता होगा भाई कीवर्ड क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो समझ जाओ कीवर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पैक्ट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कहानी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ऑलराइट, चलो तो आप क्या करना कि जब आप आपके सामने एक वो लिखा होगा पैराग्राफ लिखा होगा, पैराग्राफ को पढ़ना और नोटिस, और क्या है ना मेंटल नोट लेना स्टार्ट करो। अब देखो कंप्यूटर पे आप टिक तो मार नहीं सकते हो, तो क्या ना मेंटल नोट कि फर्स्ट लाइन में ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में, लास्ट में ये, 5-6 बातें अगर आपने कॉमा करके लिख ली। अभी तो आप क्या करो, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, पेन पेपर लेके रखो, मैं आपके सामने एक पैराग्राफ दिखाऊंगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना, और पढ़ते वाइल्ड रीडिंग नोट डाउन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स,
कॉमा कॉमा लगा के लिखो। और पता है मैं उस चीज को क्या बोलता हूं, मैपिंग, मैपिंग ऑफ द पैराग्राफ। मतलब पूरे पैराग्राफ को हमने मैप कर दिया, बड़ी बड़ी बातों को एक जगह लिख लिया। पूछो हमने क्यों लिखा, कि वही तो हमारा क्रक्स है उस स्टोरी का, वही तो हमारा पूरा का पूरा उसका सारांश बता रहा है कि नहीं। सो व्हाट यू डू, हर पैराग्राफ को 3-4-5-6 वर्ड्स के थ्रू उसको समराइज करने की कोशिश करो, और फिर उसको अपनी स्टोरी में, अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करो। तो फिर आप समझ जाओगे, अच्छा ये बातें 5-6 इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या करें, उन्हीं बातों को लेकर के हम नीचे ऑप्शन में सर्च करेंगे, और जहां पे हमारी वो सारी बातें मैच हो जाएंगी, बोल देंगे हाँ दिस इज आर परफेक्ट समरी, डन। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास एक स्टोरी है, और मेरे उसमें है ना 3 फ्रेंड्स हैं, और वो 3 फ्रेंड कहाँ, अमेरिका में रहते हैं, और वो क्या है कि एक इंफोसिस या TCS या फिर किसी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम करते हैं वो लोग। तो पता है जो समरी में होनी चाहिए, समरी में वो सारी बातें होनी चाहिए, 3 फ्रेंड्स के नाम, अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर एक भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हुई ना, तो वो इनकम्प्लीट समरी हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने एक चीज़ और आपको बता रखा है, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच। आई होप आप वर्टिकल रीडिंग अप्रोच जानते होंगे, जो लोग नहीं जानता है वो सुनो। देखो वर्टिकल रीडिंग क्या होता है, कि मेरे पास ये इतना बड़ा पूरा टेक्स्ट से भरा पड़ा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, पूरा टेक्स्ट से भरा पड़ा है, और अगर मुझे सर्च करना है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो पता है आप क्या करोगे, आप लेफ्ट से राइट पढ़ना स्टार्ट करोगे, और इट विल टेक टाइम। बट व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर से नीचे स्कैन करता हूँ। अब पूरा स्क्रीन को एक साथ हम स्कैन कर नहीं सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, एक काम करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, वी हैव फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब मैं इसको ऐसे वर्टिकली स्कैन करूँगा, वर्टिकली स्कैन, मुझे अब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। चलो अब इन सारी बातों को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो देखो भाई भाई ये वाली कहानी, ओके हाँ चलो इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखो समरी जो हमारी है ना लास्ट में, उसमें क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए, हम हाउ कैन वी इलिमिनेट द ऑप्शंस, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, नो न्यू थॉट इन द समरी। सपोज अगर किसी पैराग्राफ में नीचे अगर कोई नया आइडिया आ गया, तो वो हमारा इनकरेक्ट समरी हो जाएगा। रिमेंबर, समरी हमारा कौन सा होना चाहिए, जो वाली बात ऊपर लिखी है वही बात नीचे, नया आइडिया बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई नया आइडिया मिल जाए रूल आउट कर देना, ओके okay। देखो समरी शुड बी प्रीसाइज, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ये हमारा वर्बोज। इन दोनों कहानियों को देखो, प्रीसाइज का मीनिंग आप जानते हो, कंसाइज, छोटा, स्मॉल। तो मतलब, अरे समरी का मतलब है कम शब्दों में लिखो। अगर आप बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हो, वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो आप, तो वो तो गलत हो जाएगा ना हमारा, ओके okay। तो पता है क्या है, समरी शुड बी प्रीसाइज, वर्बोज नहीं होना चाहिए। वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसे वर्बोज बोलते हैं, और प्रीसाइज मतलब यूजिंग कम वर्ड। आइडिया सेम है, एक ऑप्शन सेम थॉट को कम शब्दों में बोल रहा होगा, एंड वी हैव अनदर ऑप्शंस जो सेम आइडिया को एक्स्ट्रा वर्ड में बोल रहा होगा, तो वो गलत हो जाएगा भाई। तो ये सब बातों को हम यूज करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ा, कि अगर किसी ऑप्शन में मुझे पैराग्राफ की समरी लिख रहा हूं, किसी ऑप्शन में मुझे नया वर्ड, नया थॉट मिल गया, रूल डाउन। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा नया थॉट, कीवर्ड्स के थ्रू। हमें जैसे कोई नया नाउन, नया एडजेक्टिव मिलेगा, मैं कहूँगा यार ये वाली बात ऊपर थी नहीं, सॉरी रूल्ड आउट, समझ गया। तो हम लोग क्या करने वाला है, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, रेडी हो ना, चलो। और प्रीसाइज होना चाहिए, बर्बोज नहीं होना चाहिए। डिस्टॉर्शन, ये वाली कहानी सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि यार ऊपर जो कहानी लिखी थी ना, वही स्टोरी लिखो, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ मरोड़ के नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर मेरे जो 3 फ्रेंड्स हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, पता चला कि 3 फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जगह वहां पर गूगल लिख दिया, तो कहानी तो डिस्टॉर्ट होगी ना, कहानी तो चेंज हो गई ना। तो स्टोरी शुड नॉट चेंज एट ऑल, अगर किसी ऑप्शन में स्टोरी चेंज हो गई है तो गलत हो जाना है। तो इस चीज को भाई थोड़ा ध्यान रखना, डिस्टॉर्शन नॉट अलाउड एट ऑल। चलो अब देखो ये 5 नंबर पे क्या लिखा है, समरी शुड इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये तो मैंने बोल दिया ना कि सारी बातों को ही इंक्लूड करो जो ऊपर लिखी हुई हैं, ऐसा ना हो ना आप किसी बात को मिस कर दो, ओके okay। और देखो ये वाला, समरी शुड नॉट बी रिपीटिशन। हाँ यार रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन का मतलब होता है कि आपने क्या करा, चलो वापस आते हैं, ये वाला कि ऊपर जो बात लिखी है एज इट इज नीचे लिख दिया, तो वो तो रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो हमें रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, समरी शुड बी स्पेसिफिक नॉट जेनरिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिक और जेनरिक इसको सुनो। पता है स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जैक्ट वही आइडिया, टू द पॉइंट, जो ऊपर लिखा था वो लिखो। जनरल बातें कह रहे हो
ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे बड़ा जनरल बात में टॉपिक को लिख रहे होंगे, जनरल तरीके से टॉपिक को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, वो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर ऑप्शन मिलेगा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये जेनरिक हो रहा है, ये स्पेसिफिक हो रहा है, ये प्रीसाइज कंसाइज हो रहा है, ये वर्बोज हो रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि देखो नया थॉट आ गया है, तो हम इस तरीके से रूल्ड आउट करने वाले हैं। ठीक है, आप बस देखते रहो और अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे को ये लग रहा है भाई, इस पे देखो, अब आई होप आपको दिख रहा होगा, नोटिस द ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या बात है, इसको भी सुन लो। ठीक है, अगर आप पूरा कोर्स फॉलो करने वाले हो तो ये बातें बार बार आपको सुनने को मिलने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग में आपकी आपकी सोच का ये पार्ट बन जाना चाहिए। हाउ आई सी अ सेंटेंस, हाउ आई सी अ पैराग्राफ, हाउ आई अप्रोच अ सेंटेंस और पैराग्राफ, आपने वो कॉपी करना है। जिस दिन कॉपी कर लोगे ना, उस दिन आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। जिस इंग्लिश लैंग्वेज से आपको बहुत डर लगता है ना, यू विल बिकम मोस्ट कंफर्टेबल विद द। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा ऐसा फीडबैक आया है कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज उनका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो गया है। नॉर्मली लोगों का स्कोरिंग होता है 80% का होता है रीजनिंग वाला सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, देन कम्स द मैथमेटिक्स, और इंग्लिश बहुत कम लोग हैं जिनका। लेकिन इन तरीके से सोचना अगर स्टार्ट कर दोगे तो आपका हो सकता है कि इंग्लिश सबसे बेस्ट पार्ट बन जाए। तो वो मेरी कोशिश है, ठीक है ना। लेकिन वो कोशिश तभी पूरी हो सकती है जब मेरी सारी बातें आप मानोगे। ऑलराइट, चलो तो सुनो, नोटिस द ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन एवर वी राइट अ सेंटेंस ना, हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस की जो ओपनिंग पार्ट होता है वहां पे कौन सा आईडी, कौन सी बात लिखी जाती है जो सबसे सुप्रीम बात होती है, मींस जो सबसे हाईलाइट पॉइंट होता है। राइटर जिस बात को हाईलाइट करना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जिस डिस्कस करना चाहता है, उसी बात को वो फ्रंट पर लिखता है। ओके, सपोज मैं बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, तो इसका मतलब मेरा फोकस किस बात पर, पीएम मोदी के ऊपर कोई बात है। अगर मैं बोलूं द आधार स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी गवर्नमेंट, वेट, अब मैं फोकस किस बात पे कर रहा हूं, आधार स्कीम पे, आधार जो आधार हम सबका बना हुआ है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, हम उनका ओपनिंग पे नजर मारने वाला है। क्यों मारेगा ओपनिंग पे नजर, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर राइटर ने जो बातें लिखी थी ना, अगर वही बातें अगर हमारी सबसे हाईलाइट आइडिया जो मैंने ऊपर पकड़ा है, अगर वो मेरे नीचे उसमें ऑप्शन पे, ऑप्शन के स्टार्टिंग पे लिख रहा है तो ठीक है। अगर कोई कोई नॉट सो इंपॉर्टेंट बात अगर ओपनिंग करी ना पैराग्राफ का, गलत है। समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो तो ये मेरी कहानी थी, ठीक है। देखो मैं ट्रिक्स वाले में भी, अगर मैं ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ तब भी ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तब भी कराऊँ, मैं बार बार आपको इतना ज़्यादा ज़्यादा ये सेम कहानी सुनाने वाला हूँ कि आपके दिमाग में बैठी जाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं ये बात पता है कहाँ से सीखा हूँ, ये न्यूज चैनल वाले जितने भी होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी जब, या कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला क्या करता है, कोई प्रोपेगेंडा जब इनको चलाना होता है ना, ये वही चीज़ बार बार आप दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सअप, आपका टीवी, हर जगह आपका मेल, हर जगह जो चीज़ उनको लोगों के दिमाग में घुसानी होती है ना, वो आपको शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, तो आप ना इन्फ्लुएंस हो जाते हो। हालांकि वो निगेटिव चीज़ है, लेकिन उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मेरी जो बातें हैं उन बातों को मैं हर बार बोलूँगा, जहाँ मुझसे अगर आप पर्सनली मिलोगे तब वही बातें बोलूँगा, कैमरा पे आऊँगा वही बातें बोलूँगा, मैं आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊँगा तब भी वही बातें बोलूँगा। इतनी बार बोलूँगा कि आपके आपकी सोच बदल जाएगी। एक बार आपकी सोच बदल गई ना, थैंक यू, समझे कि नहीं, आप थैंक यू फील करोगे। चलो, सोच बदलने का मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का अप्रोच बदलना है, बाकी आपको पर्सनली सोच नहीं बदलना है मेरे को। चलो तो देखो, स्टेप टू बी फॉलोड टू सॉल्व समरी क्वेश्चंस। अब क्या क्या स्टेप आने वाले हैं चेक करते हैं। रीड द सेंटेंस एंड टेक अ मेंटल नोट ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। मैंने आपको बोला था ना मेंटल नोट लेना है। ओके, नाउ यूज वर्टिकल रीडिंग अप्रोच। ये वाला अगर आप वीडियो अभी कंटिन्यू वॉच करें तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला हुआ, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच। इलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है ना, ऑप्शंस को इलिमिनेट करना है जिनमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हों। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसमें ना मिल रहे हों उसको हम लोग क्या इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों इलिमिनेट कर देंगे यार, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अगर वो नीचे नहीं लिखा है तो वो इनकरेक्ट समरी हो जाएगा। ओके, नाउ रीड द रिमेनिंग ऑप्शन सेंटेंस, यूज अदर एलिमिनेशन टेक्स्ट टू फाइंड करेक्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ। तो इतनी सी कहानी है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, आई होप, हाँ मैं साइड में हो जाता हूँ, अब ये सही दिख रहा है। अब इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है, आपका तो बुरा हाल हो रहा होगा कि अबे यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैं जानबूझ के विलिंगली
समझे कि नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हे यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है ना, और विद इन सेकेंड में कर सकता हूँ। और देखो सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो आपके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि आपको तो आदत पड़ जाएगी और आपको गलत फहमी हो जाएगी, हाँ आपको तो सब कुछ आ गया। तो एक काम करते हैं, सबसे डिफिकल्ट चीज़ को पकड़ते हैं, अगर डिफिकल्ट चीज़ सेकेंड्स में सॉल्व हो सकती है ना, ऑसम, ठीक है, इससे बेटर चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। आओ अब मेरे साथ चलो कि मैं बड़ी बड़ी कहानियों को कैसे पकड़ता हूँ, कैसे मैपिंग करता हूँ। हम इसको रीड करेगा, मैपिंग करेगा, मैपिंग मीन्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखेगा। रेडी हो ना आप लोग? एक काम करना, वाइल रीडिंग मैं साइड में आ जाता हूँ, जब आप इसको रीड कर रहे होगे ना तो मैं भी हाईलाइट करने वाला हूँ अगर, और आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, लाइव है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाद में वॉच कर रहे हो तो पॉज करो। और क्या करना कि बड़ी बड़ी बातों को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप कमेंट में लिखना, मैं आपके सारे के कमेंट चेक करने वाला हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा कि आपने कौन सी वाली, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा कि कौन सी वाली बात आपने पकड़ी, कौन सी वाली बात आपने मिस कर दी है, मैंने किन बातों को पकड़ा है और आपने किन बातों को पकड़ा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो, या फिर जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बात थी वो आपने इंक्लूड कर लिया मैपिंग करते टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, मतलब कि ट्रेनिंग पार्ट है, ठीक है, चलो साथ में सीखते हैं सब लोग। हाँ तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये देखना है कि हाँ चलो सर करते हैं, मैं भी उन चीज़ों को कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं 2-3-4 महीने मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, 5-6 महीने, वैसे तो 1 साल तक मैं अकेडमी पे हूँ, तो आपका लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। आओ रीड करते हैं, आपका डर निकालता हूँ, मैजिक स्टार्ट करते हैं, लेट द मैजिक स्टार्ट। ओके सब लोग रीड करो, ठीक है। व्हाइल इट इज़ एसेंशियल टू फॉलो थ्रू द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, देखो अब हमारे पास सबसे बड़ा कीवर्ड क्या आया, पेरिस एग्रीमेंट, मतलब पेरिस में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, देखेंगे भाई। हैज क्रिएटेड अ प्रिवेंट कैटल, हाँ, कैटाक्लिस्मिक प्लैनेटरी कोलैप्स ओवर द डेकेड्स अहेड, बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है। आपको एक और बात बताऊं, कुछ पैराग्राफ्स ऐसे आएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करना, वो हाईलाइट करना तो सीखो ना। हे बड़ा कीवर्ड आ गया, हाईलाइट करो इसको, अब काम आएगा नीचे नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी खुद को ट्रेन करो टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके बट बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस कैन स्टार्ट नाउ, इंपॉर्टेंटली द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कौन सा वाला, वही वाला एग्रीमेंट, पेड द रिलेटिवली स्कैंट अटेंशन, स्कैंट मतलब कम, टू द नीड फॉर मोर इन्वेस्टमेंट रेजिलियंस बिल्डिंग टू हेल्प कम्युनिटीज सिटीज कंट्रीज मैनेज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमारा हाईलाइट हो ही गया है, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी अंडर वे। आर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डाइवर्स रेंज ऑफ सिटीज अक्रॉस एशिया थ्रू एशियन सिटीज क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस नेटवर्क, ठीक है, ये एशिया वगैरह की बात हो रही है और ये किसी नेटवर्क की बात हो रही है, इनिशिएटिव बोथ फाइनेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, ये कोई रॉकफेलर फाउंडेशन है, डेमोन्स्ट्रेट दैट सिटीज कैन टेक इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विदाउट ऑलवेज रिक्वायरिंग ग्रेट डील ऑफ मनी, इनडीड द मैन इन्वेस्टमेंट हैज ऑफन बीन दैट ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एक्टिव एंगेजमेंट, पॉलिटिकल विल की बात हो रही है, एंड एक्टिव एंगेजमेंट बाई लोकल सिटीजन्स, अच्छा लोकल सिटीजन्स बिजनेस एक्सपर्ट इन सब का एक्टिव हमें क्या चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, मतलब दीज आर द पार्टीज, ठीक है। चलो चलो ये कहानी है, अब इसको क्या मैपिंग करें कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है ना, और ये वाले ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, और हमें ये याद रखना है पॉलिटिकल लोकल सिटीजन्स बिजनेस एक्ट। एक बात बताओ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसमें सबसे इजीली नोटिस कौन सा कीवर्ड है, आप है ना कमेंट में जरूर लिख के बताना। देखो जब भी वीडियो वॉच करो कमेंट जरूर किया करो, जिससे क्या ना पता चल जाएगा मुझे कि यू आर इन्वॉल्व एंड यू आर वॉचिंग इट, एंड अगर और जब आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको डिफिकल्टी आएगी, डाउट्स आएंगे वो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो अब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो देखो पेरिस एग्रीमेंट, अगर पेरिस वर्ड, अगर देखो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में ही पूरा ये कहानी लिखी गई है, इतना मुझे पता है, तो पेरिस जो कीवर्ड है ना, इट्स अ सुप्रीम कीवर्ड, अगर ये सुप्रीम कीवर्ड है तो मेरे ऑप्शंस में दिखना चाहिए कि नहीं, यस और नो, ऑफकोर्स दिखना चाहिए, मैंने कहा ना समरी लिखना है, तो समरी में हम क्या लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, समझ गए कि नहीं। तो एक काम करते हैं स्कैन करते हैं, चलो अब देखो अभी क्या है कि सारे ऑप्शंस में एक जगह नहीं लिख पाया हूं क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, अब मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूं। चलो देखो ये ऑप्शन है, इसको रीड करते हैं हम लोग।
क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ आर टाइम एंड द एक्सपीरियंस. क्लाइमेट चेंज आ गया, एक की बढ़ तो आ गया. इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ आर टाइम द एक्सपीरियंस ऑफ फाउंडेशंस. फाउंडेशन मतलब ये रॉक फेलर वगैरह, चलो, कैन बी वेरी यूजफुल इन कॉम्बेटिंग इट्स इमीडिएट इफेक्ट्स. ठीक है, तो फाउंडेशन बड़ा हेल्पफुल हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इश्यूज वगैरह की बात हो रही है. लेकिन काफी कुछ मिसिंग है. आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट समरी ऑफ दिस पैराग्राफ. पूछो क्यों नहीं हो सकता. देखो यार, ये जो बॉडीज थी इनका मिसिंग हो गया. और देखो पेरिस मिसिंग है भाई. कैन यू सी दिस वन, द पेरिस, वो दिख रहा है आपको? मैं हाईलाइट कर देता हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है. दिस थिंग ये मिसिंग है कि नहीं? तो गलत हो गया. आई एम सॉरी, ऑप्शन ए रूल्ड आउट. ठीक है ना, चलो इसके पास चलते हैं. क्लाइमेट रेजिलियंस रेफर्स टू द इल इफेक्ट्स. ओहो हो, मैंने तो जैसे ही इतना वाला पार्ट पढ़ा ना, पता है क्या कर रहा है? रेफर्स टू दैट, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हे क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू दिस थिंग. एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एक सिंगल वर्ड की एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे समरी चाहिए. ये पता क्या कर रहा है? ऑप्शन बी, मुझे पता चल गया इसकी टोन क्या है. ये इसने पता क्या कर रहा है, इस कहानी में से एक सिंगल वर्ड को पिक किया है और फिर उसको कह रहा है कि इसका इट रेफर्स टू दिस थिंग, उसको डिफाइन कर रहा है. आई डोंट वॉन्ट डेफिनेशन, आई वॉन्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ. समझ आया कि नहीं? आओ देखो, तो क्लाइमेट रेजिलियंस रेफर्स टू द इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट आर ऑलरेडी अंडर वे. इनोवेटिव प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस आर इंपरेटिव टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ब्ला 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 ब्ला. गलत, सॉरी रोल्ड आउट. आपको पता है क्यों गलत हुआ है? इसमें तो पेरिस भी नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने चला गया हूँ. मैं तो सीधा पेरिस नहीं दिखा तो मैं उसको पढ़ता ही नहीं. आ रहा है कोई समझ में? चलो ये देखो, सी द रिसेंट क्लाइमेट कन्वेंशन. क्लाइमेट जो हमारा हुआ है ऑफ पेरिस, यस थैंक यू, आई लव दिस ऑप्शन. मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन आई लव दिस ऑप्शन बिकॉज इसमें मेरा सबसे सुप्रीम कीवर्ड दिख रहा है बॉस. व्हाट डू यू थिंक? तो देखो, द रिसेंट क्लाइमेट कन्वेंशन इन पेरिस हैज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कॉम्बेटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड टू मिटिगेट. मतलब खत्म करना, शांत करना, कम कर देना. स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द सेम कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू जॉइंट पार्टिसिपेशन. हाँ, ये दिख रहा है आपको, जॉइंट पार्टिसिपेशन. ओके, गायब क्यों हो गया भाई? वापस आओ. हाँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है बट ठीक है. ये जॉइंट पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है? वेट. ओके, ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है आपको? तब तक आप रीड करो. जॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. ये देखो, ये सोसाइटी के तो सेगमेंट थे ना हमारे. कौन से वाले? देखो ये वाला, कौन कौन सा? सिटीजन्स, बिजनेस एंड एक्सपर्ट. तो सिटीजन बिजनेस इसको आ गया, ठीक है. क्लाइमेट चेंज आ गया हमारा, और सबसे बड़ी बात है देखो, ये पेरिस एग्रीमेंट भी आ गया. कैन यू सी दिस वन? तो एक्चुअली ये तो सारी बातें कर रहा है. सोसाइटी की बात कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहा है, और पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है. तो इसको हम कंसिडर करते हैं. और सुनो, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे ही उनको एक कीवर्ड मिला और तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हाँ यही हमारा आंसर हो गया. नो, यू हैव बीन गिवन 4 or 5 ऑप्शंस. जब तक सारे ऑप्शंस को एनालाइज ना कर लो ना, कैंसिल आउट ना कर दो, तब तक अपना आंसर मत लगाना. ये गलती हो जाती है ओवर एक्साइटमेंट, मेरी क्लासेस में बहुत होता ही है. ठीक है, चलो. डी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन हैज रिजल्टेड इन पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूशन टू कंबाइन. देखो यहाँ पे ये गलत है, पेरिस नहीं लिखा हुआ है. तो एक्चुअली आप नोटिस किया, ये कितना बड़ा पैराग्राफ है, नोटिस करो. ओके, 12 लाइंस है मेरे पास में इनको पढ़ने में. ओके, एंड देन एवरी ऑप्शन हैज ऑलमोस्ट 3 लाइंस, और मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे, 12 लाइन ये हो गई, 24 लाइंस. अरे 24 लाइंस का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है, एक आरसी बन जाता है. 24 लाइंस को अगर आपका रीडिंग स्पीड नहीं अच्छा तो आपको 2-2 मिनट पढ़ने में लग जाएगा, 3 मिनट पढ़ने में लग जाएगा इसको. अब 3 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे एक नंबर का तो कितना प्रॉब्लम होगा, 1.5 नंबर 2 नंबर का बहुत प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख के आप क्या समझा,
फर्स्ट रीडिंग बहुत करें न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से ना हमारा रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, बुकअप बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा, ऐसे का टॉपिक मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, उसके साथ साथ रीडिंग स्पीड भी तो बढ़ेगा ना भाई ऐसे पैराग्राफ को टैकल करने का। माई ट्रिक्स आर हेल्पफुल, दे ऑलवेज हेल्पफुल, द बेस्ट ट्रिक्स हैं। शर्त है कि यू हैव टू रीड, इफ आर नॉट रेडी टू रीड ना स्टॉप द वीडियो एंड गो अवे, ठीक है ना। अगर रीडिंग करने का हिम्मत है तो यू आर द चैंपियन, यू विल बी द चैंपियन, सिंपल सी बात है। अब सुनो, हाँ तो इस क्वेश्चन में 12 लाइंस थी और 12 लाइंस और नीचे मतलब 24 लाइंस टोटल हो गए हमारे पास, और सिर्फ अगर एक पेरिस वर्ड आप पकड़ लेता तो ये क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाता। ऊपर हमने पेरिस पकड़ा, क्लाइमेट चेंज पकड़ा, सोसाइटी वो सब बिजनेस पकड़ा, एक्सपर्ट पकड़ा, ऑप्शंस में पेरिस वर्ड सिर्फ एक ही जगह था, आपको पता है, समझ गया कि नहीं। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। चलो सब लोग देखो इसको। हाँ अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको यह दिख रहा है, मैं साइड में हो जाता हूं, सब लोग इसको क्विकली रीड करो और फिर हम चेक करते हैं देखो क्या होने वाला है। क्विकली रीड करो इसको। फॉर 45 ईयर्स, हाँ मैं रीड कर रहा हूं, फॉर 45 ईयर्स ईरान्स मोस्ट फेमस, ओके ईरान, थैंक यू। आई नीड मसाला, आई नीड कीवर्ड्स, आई नीड इंपैक्ट वर्ड्स, तो आप भी एक्साइटेड हो जाया करो, हे बड़ा सा वर्ड मिल गया, ओके। फॉर 45 ईयर्स ईरान्स मोस्ट फेमस मॉडर्न मॉन्यूमेंट आजादी टावर, ठीक है मैं आजादी, चलो इसको भी हाईलाइट कर ही देता हूँ मैं, ईरान का आजादी टावर इन तेहरान हैज़ बीन बैकड्रॉप टू एवरी मेजर न्यूज स्टोरी कमिंग आउट ऑफ द कंट्री, अ प्लाजा फॉर सेलिब्रेशंस। अच्छा है, ये सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे आजादी टावर पे, एनिवर्सरीज चलती हैं, मिलिट्री परेड्स होती है, गैदरिंग पॉइंट फॉर मास डेमोन्स्ट्रेशन होता है वहाँ पे, जानते हो पॉलिटिकल रैलीज वगैरह अपना जंतर मंतर में होता है जैसे दिल्ली में, ठीक है। द 50 मीटर टॉल टावर हैज़ ओवरलुक्ड सम ऑफ द ईरान्स मोस्ट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स देखा है उसने टावर ने। Most recently, the mass demonstration that followed the disputed presidential election 2009 drew hundreds of thousands to Azadi Tower, where they demanded a recount of their votes. Mapping करते हैं, जानते हो mapping क्या होता है? We read the paragraph and we highlight the important information. वो जो highlighted information होती है वो होती है mapping of the paragraph. ठीक है, मैंने पहला मैपिंग कर दिया, अब मैं क्या करूं? अब एक काम करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू लुक फॉर ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आज़ादी टावर होना चाहिए, ईरान लिखा होना चाहिए यार, ठीक है, और फिर वहाँ पे हैप्पीनेस दिखाया रहा है कि नहीं? देखो सेलिब्रेशन क्या होता है, हैप्पीनेस होता है कि नहीं, एनिवर्सरीज हैप्पीनेस होता है कि नहीं, और देखो देखो ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या होते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जब कोई भीड़ में बहुत सारे लोग जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बात होती है कि नहीं। तो आई एम लुकिंग फॉर ए पैराग्राफ विच इज अबाउट आजादी टावर ईरान, विच इज टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस, विच इज टॉकिंग अबाउट द सैडनेस, थम्स डाउन, ठीक है ना, नेगेटिव बातों को, और पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ पर हो रही हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम लोग ग्रामर में, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, आप जानते हैं ना मैन वर्ब्स होती हैं और ऑक्जिलरी वर्ब्स होती हैं, समझ में आ गया ना आपको। तो ये जो हाईलाइट वर्ड है क्या मैन वर्ब्स है मतलब, और ऑक्जिलरी वर्ब्स को हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है वही कहानी है। तो चलो ऑप्शन ए को रीड करते हैं। व्हेन देयर बेसिक राइट्स आर थ्रेटन्ड पीपल ऑफल फाइंड अ नेशनल सिंबल एज द रैलाइंग पॉइंट रेज देयर प्रोटेस्ट, ये वाला ऑप्शन दो बातें बता रहा है मुझे कि पहली बात ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें है ना आज़ादी टावर ईरान वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ओके। और देखो 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 इसमें इस सेलिब्रेशन एनिवर्सरी हैप्पीनेस वाला थॉट मिसिंग है, इन ऑप्शन वन हैप्पीनेस वाला सेलिब्रेशन मिसिंग है, ओके। आज़ादी टावर ईरान मिसिंग है, ओके, अरे तो गलत हो गया ना फिर, समझा कि नहीं। चलो अच्छा एक जो बात कहना चाहता था मैं, जो हाईलाइट करना वो सुनाओ। दिस ऑप्शन इज जेनरिक, आप जानना चाहते हैं ना जेनरिक क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है, दिस इज द एग्जांपल। देखो इसकी टोन देखो, टोन देखो, व्हेन देयर बेसिक राइट्स आर थ्रेटन, लोगों के जब बेसिक राइट्स होते हैं ना हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जब वो थ्रेटन किए जाते हैं तो पीपल ऑफन फाइंड, तो लोगों के ऊपर एक नेशनल सिंबल होता है फिर वहां चले जाते हैं। अरे स्पेसिफिकली बात करो ना आजादी टावर की, यू आर टॉकिंग सम जस्ट नॉर्मल थिंग कि जब लोगों को भूख लगती है दे गो इन टू किचन एंड ईट सम समोसास, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तो बहुत जनरल बात कह रहे हो आप,
समझ गए ना जेनरिक क्या होता है? आओ भाई ठीक है, ये जेनरिक था और इनकम्प्लीट था, इसमें सारे कीवर्ड नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं भाई लोग। बी आजादी टावर आ गया, थैंक यू थैंक यू। आजादी टावर हैज बिकम द सिंबल ऑफ द मॉडर्न मैन्स स्ट्रगल। अच्छा स्ट्रगल की बात कर रहा है, मतलब डेमोस्ट्रेशन नेगेटिव तो आ गया। अगेंस्ट द कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर टू रिकल, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ है? वेयर इज माई हैप्पीनेस? माई पैराग्राफ हैज हैप्पीनेस, सैडनेस, सेलिब्रेशंस, आजादी टावर, ईरान, पॉलिटिकल डेमोस्ट्रेशंस। समझा कि नहीं? इनकम्प्लीट है, सॉरी, ऑल्सो रोल्ड आउट। साथ में चल रहे हो ना? चलो सी देखो, आजादी टावर ऑफ ईरान। ओके इंटरेस्टिंग, पूछो कैसे? आजादी टावर भी बोल रहा है और ईरान भी बोल रहा है। ऑप्शन बी वॉज टॉकिंग अबाउट ओनली आजादी टावर, नॉट ईरान। इसने तो और स्पेसिफिक हो गया, आओ इसको ट्राई करते हैं। द आजादी टावर ऑफ ईरान हैज बिकम सिंबॉलिक, हाँ सिंबल तो है, सिंबॉलिक तो बोला गया था, टू द सिटीजन्स ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस। जिन लोगों का रीडिंग स्किल अच्छा है ना, वो लोग सुनो, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन का मतलब होता है ऑल दोज यू नो डिफिकल्ट टाइम्स, स्ट्रगल, ठीक है, तो उसको दिखा रहा है ये, एज वेल एज देयर ट्राइम्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया, नाउ यू हैव गॉट माई पॉइंट। ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट आजादी टावर ऑफ ईरान, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन दिखा रहा है यहाँ पे कि उनका स्ट्रगल, द बैड टाइम्स, द डेमोस्ट्रेशन जो होते हैं हमारे, एंड ट्रायम्फ दिखा रहा है हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन दिखा रहा है। समझ गए कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि सी इज अ परफेक्ट फिट फॉर आर आंसर। लेकिन इफ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, जब तक हम पूरे पांच ऑप्शंस को नहीं भगा देगा, वी कैन नॉट कंसीडर इट एज आर करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो देखो 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 देखो, तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑल न्यूज़वर्दी इंसिडेंट्स इन ईरान हैव टेकन प्लेस। न्यूज़वर्दी का मतलब तो जानते हो ना, कि मतलब मसाले वाले, न्यूज़ बनने लायक जो हरकतें होती हैं, ठीक है। ऑल न्यूज़वर्दी इंसिडेंट्स इन ईरान हैव टेकन प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ द आजादी टावर। वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज सैडनेस? एज फॉर सैडनेस, एज फॉर हैप्पीनेस, ट्राइम्फ, समझ गए ना, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ये बल कहाँ गया? ये मिसिंग है कि नहीं? इट्स अ इनकम्प्लीट। और ई क्या कर रहा है? नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली सी वाला मैं ये दिखा देता हूँ आपको, रिमूव कर देता हूँ दिस। वेट वेट, हाँ ये वाला, द आजादी टावर ऑफ ईरान हैज बिकम अ सिंबॉलिक टू सिटीजन्स ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन एज वेल एज देयर ट्रायम्फ ओवर द ईयर्स। तो दिस देखो, अब देख रहे हो दो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, तो बन एंड हाफ ही दिख रहा है। तो दिस इज द करेक्ट समरी। समरी का मतलब समझ गए ना, वी हैव अ पैराग्राफ और उस पैराग्राफ को समराइज करके पूरी बातें लिखनी है। पूरी बातों का मतलब इंपॉर्टेंट बातें इंक्लूड करनी होती हैं। चलो आई थिंक दो क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ गया हो करना क्या है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन इनकम्प्लीट बात कर रहा है, गलत है। अगर जेनरिक हो रहा है, गलत है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, दिस इज आर थर्ड, ठीक है। आप क्विकली, ठीक है ना, सब लोग क्विकली इसको देखो। जेरूसलम इज द मोस्ट म्यूजिकल सेटिंग ऑफ विलियम ब्लेक्स। तो जेरूसलम को हाईलाइट करो, विलियम ब्लेक को हाईलाइट करो, पोइम प्रिलूड मिल्टन मल्टा, ठीक है ना। ओके, तो विलियम ब्लेक की एक पोइम है जेरूसलम। ही वॉज स्पेसिफिकली थिंकिंग अबाउट द लेजेंड दैट एज अ बॉय जीसस ऑफ नजारेथ विजिटेड इंग्लैंड विद हिज ग्रेट अंकल जोसेफ ऑफ अरिमथिया। ये इंग्लैंड वाला वर्ड आ गया, ठीक है, अरिमथिया, हु वॉज अ सेलर एंड अ ट्रेडर। सो वाई डिड ब्लेक स्पिन अ पोइम अबाउट अ मीडियवल मिथ। मिथ की बात आ गई, प्रोबेबली बिकॉज इंग्लैंड एट दैट टाइम वॉज अ प्लेस ऑफ चेंज। उस टाइम पे क्या है, इंग्लैंड में चेंज आ रहा था। And he wasn't entirely happy about the direction it was taking. It was the time of the industrial revolution. Oh, ठीक है ना, it कौन सी वाली revolution की बात कर रहा है? Industrial revolution, political बात नहीं कर रहा, social नहीं कर रहा, industrial revolution की बात कर रहा है। ऐसे pick करना सीखो आप भी, ठीक है ना। I hope you are like staying with me. The dark satanic mills he wrote of seemed to swallow people and up and spit them out broken and mangled. As a non-conformist Christian, Blake looked back on a time when religious figures could walk in barefoot simplicity on England's green pleasant land. ये कहानी लिखी हुई है,
तो ये विलियम्स ब्लेक एक पर्सन है, उसकी एक पोइम है जेरूसलम, और उसने लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना, और मिल्टन का प्रिल्यूड क्या था उसकी बुक का जो फर्स्ट पार्ट पर लिखते हैं, ये कहानी है। जल्दी से इसको समराइज कर लो, स्टॉप कर लो, लिख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप भी देख लो। अब काम करते हैं हम लोग, ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन कर रहा है हमारे पास में। चलो तो देखो ऑप्शन ए को देखते हैं हम लोग। यूजुअली इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, वेट वेट वेट। ओ इधर क्यों जा रहा है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये टच नहीं सही कर रहा, हाँ स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑल राइट, ये देखो देखो जो मैंने हाईलाइट किया था, स्टे विद मी। पॉलिटिकल टर्मोइल की कहाँ बात हो रही थी, इस पूरी कहानी में तो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये पता है क्या है, डिस्टॉर्शन। मैंने आपको अपनी ट्रिक्स बताई थी, अगर आप सब वॉच करते आ रहे हो साथ में, अगर आपको समझ में आ गया है कि हाँ सर ये तो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट हो गया, मेरी कहानी में तो इंडस्ट्री, जानते हो ना, बिजनेस, टाटा बिरला, सुजुकी वगैरह, समझा कि नहीं, तो हम वी आर माई राइटर इज टॉकिंग अबाउट सम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नॉट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, एंड ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिकल स्टफ, आई एम सॉरी नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है ना, कि यस पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब प्रॉब्लम इज रॉन्ग, द फोकस इज ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमेंट में जरूर लिखना, मैं जानना चाहता हूँ कि आप साथ में समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप वीडियो एक साल दो साल बाद कभी भी वॉच कर रहे हो, दो महीने बाद कभी वॉच कर रहे हो, ऑलवेज फील कि ये आपके लिए लाइव वीडियो है और इंगेजमेंट दिखाना है। मैं हमेशा वीडियोस के रिकमेंड चेक करता रहूंगा और मैं आपको रिप्लाई देता रहूंगा, और जो भी आपका डाउट है कि सर ये ऑप्शन क्यों नहीं है, वो ऑप्शन नहीं हुआ, आई विल ऑलवेज गो बैक टू दैट क्वेश्चन, प्ले द वीडियो एंड आंसर योर क्यूरीज, ठीक है ना। सो आई एम रेडी फॉर दैट, द क्वेश्चन इज आर यू रेडी ऑर नॉट। ओके Usually in times of, तो इसको हटाओ भाई। B, Jerusalem is an expression of Blake's dissatisfaction with the industrial revolution taking place in England. अच्छा England आ गया, ठीक है ना, और industrial revolution आ गया, okay, Jerusalem आ गया और Blake आ गया, काफी कुछ मुझे दिख रहा है। चलो इस option को हम लोग अपने पास रखते हैं, next चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो myth word था ना, ये शायद नहीं दिख रहा मेरे को। अब यहां चलते हैं, ब्लैक्स जेरूसलम, दो आ गए, एक्सप्लोर क्रिश्चियन, थैंक यू, मैंने बोला था ना, ब्लैक्स जेरूसलम एक्सप्लोर क्रिश्चियन मिथ टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फेक्शन अबाउट द ड्रीरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड आ गया, ब्लेक आ गया, जेरूसलम आ गया, मिथ आ गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, यही तो था मैपिंग। दिस इज वॉट आई कॉल मैपिंग ऑफ द पैराग्राफ, दिस इज वॉट आई कॉल कि मैचिंग ऑल द कीवर्ड्स। इफ माई करेक्ट समरी, इफ माई समरी हैज ऑल द नेसेसरी इन्ग्रीडियंट ऑफ द पैराग्राफ, वो करेक्ट समरी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, इससे वाला ऑप्शन पहले वाला पता क्यों भगा दिया था, इसको देखो, इसमें मिथ नहीं लिखा था, एम वाई टी एच, मिथ वर्ड यहाँ पे मिसिंग था, और इस वाले बंदे ने किसने कहा गया मिथ, ठीक है, ये वाला विलेज जर्नल एक्सप्लोरर क्रिश्चियन, हाँ ये वाला मिथ, ये लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, समझे कि नहीं। तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, डी रीड करते हैं। जेरूसलम वॉज रिटन टू फर्दर पॉपुलराइज द लेजेंड ऑफ जीसस विजिटिंग इंग्लैंड इन अ टाइम व्हेन इंग्लैंड सोसाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें अभी मिथ मिसिंग है, एम वाई टी एच, मिथ वर्ड इज मिसिंग, आई एम सॉरी नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ये वाला पार्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो आपने नोटिस किया कि देखो कैसे चल रहा है, आई रीड द पैराग्राफ फर्स्ट टाइम, और व्हाइल रीडिंग व्हाट आई डू, आई नोटिस द कीवर्ड, आई हाईलाइट द कीवर्ड, आई टेक अ मेंटल नोट ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ओके। आप एग्जाम में क्या करना, आपके पास पेन पेपर मिलता है बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है ना, रफ वाला, तो जैसे ही आप पैराग्राफ समरी अगर आ जाए मेंस एग्जाम में या प्री एग्जाम में, कहीं पर भी आ सकता है भाई आजकल, ओके, सो व्हाट यू डू, रीडिंग द पैराग्राफ, और एक चीज़ याद रखना कि हाँ नरेंद्र सर ने एक बात बोली थी, मैपिंग बोलना है, मैपिंग करना है, तो रीड द पैराग्राफ और मैपिंग करते चले जाओ, और फिर ओके फाइन आई हैव दिस मसाला, और उस मसाला को ऑप्शन में मैच करना, जिसमें सारी बातें मिल जाएं, करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बातें आपने पकड़ी हैं, और वो भी ना ऑप्शन में लिखी तो गलत हो जाएगा, नहीं इनकम्प्लीट ऑप्शन नहीं मांगता है, सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट फोर नंबर पर चलते हैं।
द रैन फॉरेस्ट अलायंस एंड एथिकल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, रैन फॉरेस्ट एक कोई एथिकल सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है एथिकल. हैज नाउ स्ट्रिप्ड अ ग्रुप ऑफ असम कंपनीज प्लांटेशन ऑफ इट्स ग्रीन फ्रॉग सील. अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, असम की एक कंपनी है प्लांटेशन वाली जो प्लांट लगाती हैं, ठीक है ना, और उसकी ग्रीन फ्रॉग सील है ना, उसको उसने छीन लिया है, ठीक है ना. ये दिख रहा है ना, स्ट्रिप्ड, तो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो जो जो सर्टिफिकेशन होता है ना, वो उसे वापस ले लिया है, ये इसका मतलब है. मैं रीड करता हूँ, द रैन फॉरेस्ट अलायंस कॉमा एन एथिकल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ स्ट्रिप्ड अ ग्रुप ऑफ असम कंपनी प्लांटेशन ऑफ इट्स ग्रीन फ्रॉग सील. द असम कंपनी सेड द लॉस ऑफ सर्टिफिकेशन वॉज बिकॉज ऑफ माइनर एरर. असम कंपनी ने बोला है कि जो सर्टिफिकेशन का लॉस हुआ है वो माइनर एरर था. ऑन वन स्टेट हजुआ वाइल स्प्रेइंग अ प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इट अंडरस्टूड डिड नॉट रिक्वायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ठीक है, वो पर्सनल जो प्रोटेक्ट करने वाले, अब सुनो, किसी प्लांट पे आप अगर कुछ यू नो लाइक जो जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स या कुछ भी, उनको स्प्रे कर रहे हो, तो आपको वो ग्लव वगैरह पहनना चाहिए कि नहीं. तो उसी तरह की कुछ बात की हुई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. इट सेड दैट बिकॉज द असम कंपनी स्टेट्स ऑपरेट इन अ सिंगल क्लस्टर द अदर स्टेट वर ऑटोमेटिकली डिसर्टिफाइड. मतलब एक कंपनी में प्रॉब्लम हुआ तो क्लस्टर मतलब होता है झुंड पूरा का पूरा, तो फिर जब एक कंपनी बंद हुई तो सारी ही डिसर्टिफाई हो गई है. तो ये कहानी है, मत ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्रीन फ्रॉग सील, एथिकल सर्टिफिकेशन, रेन फॉरेस्ट स्ट्रिप कर दिया, माइनर एरर कर दिया, ये कहानी है. अभी काम में साइड में हो जाता हूँ, आप इसको एक बार चेक करो और फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ो, हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना. ओके, सब लोग रीड करो. द ग्रीन फ्रॉग सील इज इम्परेटिव फॉर टी प्लांटेशन टू इंश्योर डिमांड फ्रॉम कंपनी सेटिस्फाई देयर एथिकल कंडक्ट. ओके, द ग्रीन फ्रॉग सील, ओके, इंटरेस्टिंग, मजा आया. मैंने आपको बताया था कि वेन एवर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेन एवर वी राइट अ सेंटेंस ना, तो सेंटेंस का जो ओपनिंग पार्ट होता है, बिगिनिंग पार्ट होता है, पता है वहाँ पे क्या लिखा जाता है, ओपनिंग पार्ट पे मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सबसे फोकस कीवर्ड है, सबसे फोकस आइडिया है, वो फ्रंट पे दिखना चाहिए, रेस्ट इन्फॉर्मेशन बाद में आनी चाहिए. अब पता मुझे यहाँ से क्या लग रहा है कि ग्रीन फ्रॉग सील है ना, इसको हाईलाइट किया जा रहा है, ग्रीन फ्रॉग सील को हीरो बना दिया यहाँ पे. अच्छा, मेरी कहानी में तो यार कुछ और कहानी थी ना, कुछ और था ना, रेन फॉरेस्ट अलायंस था ना, ठीक है ना, और ये असम कंपनी था ना हमारा. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन आता है कि नहीं. बी, माइनर एरर्स मे समटाइम हैव फॉर रीचिंग. ये एरर्स को फोकस कर रहा है, ये एरर को लेके, जो एरर हमारा आया था ना यहाँ पे, माइनर एरर्स मे समटाइम हैव फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एज द असम कंपनी हैज रियलाइज्ड. ठीक है, अब इसमें पर्सनल गियर नहीं पहना था, ये सब बातें नहीं लिखी हुई हैं, देखो ये वाली बात मिसिंग है, ठीक है, ये सब मिसिंग है हमारा. ओके, और इसने कहा था माइनर एरर्स को फोकस किया हुआ है. आगे चलते हैं, और एक कर, हाँ इसमें ये भी तो मिसिंग है बाबा, एथिकल, एथिकल मिसिंग है कि नहीं, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं. एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स देयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर स्टाफ. एथिकल कंडक्ट का मतलब है कि स्टाफ को अच्छे से ट्रीट करना है. ओके, द असम कंपनीज ग्रीन फ्रॉग सील, ग्रीन फ्रॉग सील आ गया, असम कंपनी आ गया, एथिकल आ गया, वॉज रिवोक्ड, छीन लिया गया, रिवोक्ड मतलब स्ट्रिप्ड, ये दिख रहा है आपका, रिवोक्ड मतलब स्ट्रिप्ड, रिसेंटली ड्यू टू नेग्लिजेंस इन ऑब्जर्विंग सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज. और सेफ्टी का मतलब है ये वाली बात कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ना, वो नहीं लगाए थे उन्होंने, तो एक्चुअली दिस इज परफेक्ट फॉर अस. एथिकल कंडक्ट, ओके, बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाफ. एथिकल कंडक्ट का मतलब होता है कि स्टाफ को अच्छे से ट्रीट करना. असम कंपनी का ग्रीन फ्रॉग सील छीन लिया गया, क्यों छीन लिया गया दिख रहा है आपको, क्योंकि वो सेफ्टी और एम्प्लॉयज की नहीं उन्होंने यूज करी थी. ठीक है, तो दिस लुक्स परफेक्ट. आगे चलो डी, अ माइनर एरर इन बियरिंग प्रोटेक्टिव गियर हैज रिजल्टेड इन रिवोकेशन. माइनर एरर पर फोकस कर रहा है कंपनी ग्रीन फ्रॉग सील, एन इंसिडेंट ऑन वन स्टेट हैज रिजल्टेड इन द डिसर्टिफिकेशन. अब देखो इसमें एथिकल वर्ड मिसिंग है, अगर आप एग्री करते हो तो यस करके लिखाओ. सॉरी, चलो टच बहुत जल्दी, ओके, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर से चला गया, ठीक है, बस मैं हाईलाइट कर देता हूं. आप देखो इसमें क्या मिसिंग है, ये वाला पार्ट,
ये एथिकल वाला पार्ट मिसिंग है। हाँ, एथिकल वाला पार्ट, तो देखो ये ऑप्शन भी गया हमारे पास में। हाँ, तो कौन सा वाला करेक्ट हुआ हमारे पास में? सी वाला करेक्ट आंसर है। पता है सी क्यों करेक्ट हुआ है? देखो एथिकल कंडक्ट, ठीक है, रिवोक कर दिया गया, मतलब स्ट्रिप कर दिया गया फ्रॉग सील का, कंपनी का सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज की बात आ गई, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आ गई, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। चलो और क्वेश्चन फाइव करते हैं, चलो इसको देखते हैं। देर आर सॉलिड रीजंस, ठीक है, देर आर सॉलिड रीजंस वाई द वर्ल्ड हैज नाउ कन्विंस्ड इटसेल्फ दैट ऑयल इज वर्थ मच लेस देन बिफोर। ऑन वन साइड द लेजर इज सप्लाई नॉट ओनली ऑफ ऑयल इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ द अदर फॉसिल फ्यूल्स विच कैन ऑफन, देखो फॉसिल फ्यूल पर जाओ, ठीक है, विच कैन ऑफन सब्स्टिट्यूट फॉर इट, नोटेबली गैस विच इज मोर एविडेंट देन एनी वन वुड हैव इमेजिन्ड अ फ्यू ईयर्स अगो कर्टसी ऑफ द फ्रैकिंग बूम। ओके, ये जो बढ़ रहा है, ओके, ऑन द डिमांड साइड थिंग्स हैव बीन डेवलपिंग इवन मोर रैपिडली विद अ सीरियस स्लो डाउन इन द रिसोर्स इंडस्ट्री, रिसोर्स इंटेंसिव इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, अबव ऑल डेब्ट लेडन चाइना, ठीक है, द फ्रैकिंग रिवॉल्यूशन, ओके, विल नॉट बी रिवर्स और इट इंक्रीजिंगली लुक्स लाइक द चाइनीज फ्लू विल बी हार्ड टू शेक, ऑल ऑफ विच सजेस्ट दैट लो ऑयल प्राइस कुड बी हेयर फॉर अ वाइल। लो प्राइस की बात हो रही है, अब ये कहानी है, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं क्या बन सकता है हमारा। तो बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स हैव रिजल्टेड इन द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस की कर रहा है, डिमांड सप्लाई की बात कर रहा है, ओके, रिडक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिमांड फॉर ऑयल हैज बीन शोइंग स्लोइंग, ओके, हाँ डिमांड कम हो रही है, स्लोइंग ड्यू टू स्लो डाउन की वजह से, स्लो डाउन होता है मंदी हो जाना। अब रिसोर्स इंटेंसिव इकोनॉमीज, देखो ये काफ़ी कुछ लेके आ गया है, इंटेंसिव इकोनॉमीज डिमांड स्लो हो रहा है, ओके, द सप्लाई हैज बीन हैम्पर्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज दस पुशिंग प्राइस डाउन फर्दर। ये ऑल्टरनेटिव रिसोर्स क्या है इसको चेक करते हैं। आओ, बट देर आर सॉलिड रीजंस वाई द वर्ल्ड हैज नाउ कन्विंस्ड इटसेल्फ दैट ऑयल इज वर्थ मच लेस देन बिफोर, ऑयल की वैल्यू अब कम है। ऑन द साइड ऑफ द लेजर देर इज अ सप्लाई नॉट ओनली ऑयल इटसेल्फ बट ऑल्सो द अदर फॉसिल फ्यूल्स। देखो ये वाला पार्ट, अदर फॉसिल फ्यूल, एक होता है ऑयल, और फॉसिल फ्यूल से अगर दूसरे तरीके से आप एनर्जी लेके आ जाओ तो ऑल्टरनेटिव सोर्स हो गया कि नहीं, इसीलिए इस वाले ने इंक्लूड किया हुआ है। मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट आंसर बनना चाहिए, बाकी आगे भी देख लेते हैं। सी द फ्रैकिंग बूम हैज रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ ऑयल डेप्ट चाइना, इसमें ना तो फॉसिल फ्यूल लिखा हुआ है ना तो अदर रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव गलत। देखो डी, द फ्रैकिंग बूम ऑफ द डिमांड साइड इन द चाइनीज फ्लू ऑन द सप्लाई साइड, ये भी गलत आपको दिख रहा है। फॉसिल फ्यूल, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा वही था हमारे पास, कौन सा करेक्ट आंसर था एक बार चेक कर लेते हैं। ये द डिमांड फॉर ऑयल हैज बीन स्लो डाउन फॉर रिसोर्स इन इकोनॉमीज, ठीक है। और पता है कई सारे ऑप्शन में तो इकोनॉमीज वर्ड भी नहीं लिखा हुआ था, तो मैं कैसे वर्ड्स के साथ खेल रहा हूं, आपने भी ऐसे खेलना है। चलो आगे चलते हैं, अब क्विकली मारते हैं हम लोग, बहुत कम टाइम में खत्म करते हैं। सिक्स नंबर देखो, स्ट्रिपिंग टेररिस्ट ऑफ देयर सिटीजनशिप इज टेम्पटिंग फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेटिस्फाइंग फॉर वोटर्स, ठीक है ना। टेररिस्ट की बात हो रही है, गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, ओके, और सिटीजनशिप की बात हो रही है। It allays concern that jihadists may recruit and radicalize suspected inmates while in prison or they might one day again roam France and wreak havoc. The symbolism that a person waging war against France is no longer French is politically popular. 3/4 of the French people support Mr. Hollande's proposal according to a recent poll. Yet, many on France's left side left see it differently. They say that the planned law could foment radicalization by sending the message to the dual citizen Muslims, ठीक है ना, dual citizen Muslims, that they are less French than the rest of the society, and by creating unequal categories of citizenship, betray the cherished Israelite. Israelite मतलब होता है equality, एक egalitarian word होता है, है ना, इगैलिटेरियन भी बोलते हैं इसको, इगैलिटेरियन ये एक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है इक्वल सोसाइटी, अ सोसाइटी इन विच एवरीबॉडी इज इक्वल। चलो इगैलिटेरियन, ड्यूअल सिटीजन, गवर्नमेंट, सिटीजन, टेररिस्ट, ये सारी बातें चल रही हैं। और ये कहाँ गया प्रेसिडेंट हॉलैंड, कहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ है। अब इन कहानियों को सर्च करते हैं, ये सारी बातें अगर मैच करती हैं तो ऑप्शन सही है, नहीं तो हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिवोकिंग द सिटीजनशिप ऑफ टेररिस्ट, हाँ सिटीजनशिप आ गया, टेररिस्ट आ गया, वेरी पॉपुलर आइडिया इन फ्रांस आ गया, ठीक है। हाउएवर दिस कुड ऑल्सो हैव रेपरकशंस मीन रिजल्ट,
such as alienating citizens with dual citizenship भी आ गया and violation of the Israelite principle. देखो Israelite आ गया, dual citizenship आ गया, citizenship terrorist आ गया और France आ गया. चलो इसको रखते हैं अपने पास. B, French president, I think आपको दिख रहा है, yes, French president Hollande has proposed stripping jihadist of citizenship of this. French president आ गया, ठीक है, terrorist आ गया, citizenship as this may be used to radicalize, okay, however decision could, sorry, dual citizenship मेरा word missing है, dual citizenship यहाँ पे word missing है, गलत हो गया था हमारा. C देखो, in a symbolic gesture the French are demanding revoking the citizenship of non-terrorist, this will prevent the, okay, sorry. देख रहा है आपको क्यों गलत किया मैंने, dual वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है. डी, फ्रैंकोइस होलैंडे हैज प्रपोज्ड अ न्यू बिल टू स्ट्रिप टेररिस्ट ऑफ देयर सिटीजनशिप. आई एम सॉरी, दिस वन इज ऑल्सो रूल्ड आउट. देख रहा है आपको, दिस वन इज ऑल्सो रूल्ड आउट. ये वाला भी गलत हो गया दी. तो हमारे पास ए वाला करेक्ट आंसर था, ठीक है, ये रिवोकिंग सिटीजनशिप टेररिस्ट फ्रांस, ठीक है ना, रेपरकशंस एजेलाइट और ये वाला. तो बहुत सारे ऑप्शंस में ना तो ये था और ना तो ये वाला वर्ड था, तो गलत हो गया हमारे पास में. चलो सेवन नंबर पे देखते हैं अब हम लोग. हाँ, इसको भी जल्दी से क्विक ख़त्म करते हैं, आप जल्दी से इसको स्टॉप कर लेना और फिर वॉच करना. द अर्थ वॉल्केनोज अपियर फ्रॉम द मोस्ट पार्ट इन थ्री टाइप्स ऑफ सेटिंग, द मोस्ट फेमिलियर एंड मोस्ट ऑफ द डेंजरस आर फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट, ओके, ओवरराइड्स अनदर, हैपेंस इन द रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक, व्हेन देयर आर दोज व्हिच सिट ओवर आइसोलेट हॉट स्पॉट्स ऑफ अपवेलिंग मैग्मा फ्रॉम डीप इन द अर्थ लाइक द वॉल्केनोज ऑफ हवाई, ओके, देयर आर दोज ग्रेट मैनी बट नॉर्मली डीप अंडर द ओशियन, ठीक है ना, डीप अंडर द ओशियन फॉर्म्ड एट स्प्रेडिंग रिजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड. आइसलैंड इज पेकुलरली वॉल्केनिक बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉट स्पॉट एंड मिड ओशियन रिज. ये इस तरह से बनता है आइसलैंड, इनसे बनता है. तो ये मेरी कुछ कहानी है. आओ चलो चेक करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं. द अर्थ वॉल्केनोज, ये तो सही आ रहा है, ठीक है ना, अर्थ वॉल्केनोज एग्जिस्ट इन थ्री सेटिंग, तीन सेटिंग में होता है, वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट ओवरराइड्स अनदर, ये वाला लिखा है ऊपर, ओवर हॉट स्पॉट अपवेलिंग मैग्मा, ये भी लिखा हुआ है, एंड अंडर द ओशियंस, ठीक है ना, एंड अंडर द ओशियन वेयर प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट, ये भी लिखा हुआ है. आगे चलते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, द मोस्ट डेंजरस वंस आर द टेक्टोनिक प्लेट्स ओवर द ब्ला 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 ब्ला, अंडर द ओशियन मिसिंग है. आपको पता है अंडर द ओशियन कहां था, कहां था अंडर ओशियन, यहां पे मैंने हाईलाइट किया था, ये रहा, बट नॉर्मली अंडर द ओशियन, ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, ये गलत हो गया. नेक्स्ट देखो, वॉल्केनोज आर ऑफ द थ्री टाइप्स, वेयर टेक्टोनिक प्लेट ओवरराइड्स अनदर, ओवर हॉट स्पॉट मैग्मा, ओके, एंड वंस एट द स्प्रेडिंग रिज, इसमें भी अंडर द ओशियन नहीं है. सॉरी, जब तक तुम मेरी सही बात नहीं करोगे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा. यू आर नॉट सपोज टू चेंज द स्टोरी. ओके, डी देखते हैं. द अर्थ वॉल्केनोज अपीयर इन द थ्री टाइप्स, वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट ओवरराइड अनदर, ओवर हॉट स्पॉट वेयर प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट. अरे प्लेट्स मूविंग अपार्ट तो हो रहा है, लेकिन बाबा अंडर द ओशियन तो लिखो ना, ये वाला भी गलत हो गया. तो एक्चुअली ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट था, ऑप्शन ए वाला हमारा ये करेक्ट था. ठीक है, आप इनको रोक रोक के देख सकते हो. देखो बड़े बड़े पैराग्राफ कैसे चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं. एक और है, लास्ट हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट. तो देखो, सम पीपल थिंक स्पोर्ट्स कार आर थ्रेटन विद द एक्सटेंशन ऑफ द टाइटनिंग रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है किस पे, एक्सटेंशन वाला खत्म हो रही है, और कौन स्पोर्ट्स कार रिस्ट्रिक्शन लगा ऑन कार्बन CO2 पे भाई रोक लगाई जा रही है, इमिशन, अनएक्सेप्टेबल फ्यूल गजलिंग, दे फियर द रोर ऑफ द V8, V8 जो कार का नाम है विल बी रिप्लेस्ड. जो स्पोर्ट्स कार होती है ना वो क्या बहुत आवाज़ करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये आवाज़ विल बी रिप्लेस्ड बाई द विर ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्मर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक वाली तो कम आवाज करती है, एंड दैट मोटरिंग विल नेवर बी द सेम अगेन, और मोटरिंग में उतना मजा नहीं आएगा जब तक तेज आवाज ना हो. ठीक है, वेल इट ऑट टू बी क्वाइटर, दैट इज ट्रू, बट दे नीड नॉट फियर दैट इलेक्ट्रिक कार्स विल बी स्लोअर. देखो आवाज कम हो जाएगी समझ में आता है, लेकिन राइटर कह रहा है कि इसका मतलब नहीं है कि उन्हें पावर नहीं होगी इलेक्ट्रिक वाले में. ओके, द सीक्रेट इज दैट इलेक्ट्रिक मोटर्स आर बेटर देन कंबस्टन इंजन्स. ठीक है ना, जो कंबस्टन इंजन होता है उससे हमारा कौन सा वाला बेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बेटर बताया जा रहा है. They have more oomph and no need to gearbox to deliver it. अब अभी पढ़ते हैं. Contrary to what some people think, sports car will go even faster with electric power. ये incomplete दिख रहा है. B,
The belief that sports car will become extinct is misplaced one, as cars with electric motors will go faster than combustion engines. Okay, ये fast जाने की बताया, यहाँ पे better बोला है, better than बोला है, और ये faster जाने का बात कर रहा है. आगे देखो, ठीक है. और देखो एक और बात है, हाँ मुझे पता चल गया, ये restriction word था ना, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है. देखो इस वाले में कहीं लिखा है, नहीं लिखा है. देखो इसमें लिखा है, the restriction on carbon emission need not make the sports car, ठीक है ना, extinct as faster electric cars will easily replace them. ये वाला हमारा करेक्ट जा रहा है. डी देखो, contrary to popular belief that electric car, देखो इसमें restriction CO2 नहीं लिखा है, सॉरी गलत, समझा कि नहीं, तो ये गलत हो गया हमारे पास में. दो मोर नॉइजी देन कम्बस्टन इंजन कार इलेक्ट्रिक मोटर्स डिलीवर, और इसमें भी देखो CO2 वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, और गलत हो गया. समझा कि नहीं. तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है कि यू विल हैव दिस पैराग्राफ, इसको रीड करो और ऑप्शंस लगाना है. अगर सपोज मैं CO2 इमिशन रिस्ट्रिक्शन पकड़ लेता, रिस्ट्रिक्शन पकड़ लेता, तो देखो कितना जल्दी हो सकता है. रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, ओके इसमें नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, ई नहीं है. रिस्ट्रिक्शन वाला सिर्फ एक ही में ही लिखा हुआ था, CO2. इसमें स्पोर्ट्स कार भी लिखा है, एक्सटेंट भी लिखा है, और इलेक्ट्रिक कार भी लिखा है, कार्बन भी लिखा हुआ, दिख रहा है आपको. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व. अरे जैसे एक मैथमेटिशियन नंबर के साथ खेलता है, मैं इंग्लिश के वर्ड्स के साथ खेलता हूँ, आप भी खेलो, ठीक है. चलो आओ, तो जो मैं आपको बता रहा था, ये नरेन लाइव कूपन कोड है. अनअकैडमी प्लस जब भी सब्सक्राइब करो, मेरा कूपन कोड जरूर लगाना, और पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ बनाओ, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स लाइक तो हमेशा करना है भाई, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करो, शो सम लव, शेयर करो. शेयर इसलिए करना जरूरी है कि जितने भी आपके यार दोस्त होते हैं, उन सबके साथ बताओ कि यार देखो इस तरह से आप सेकंड्स में पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. और दोस्तों को बताओ, बाद में बताना, लेकिन खुद की लाइफ जरूर चेंज करो, ठीक है. और कमेंट करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है. कमेंट वाला पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा था, और सारी चीज़ याद रही कि नहीं, कौन से टॉपिक्स आप इंक्लूड करना